2006 एक सर्द महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के प्राइवेट मीटिंग हॉल में रूस, भारत, चीन और ब्राजील के विदेश मंत्री मिले थे और वहां चर्चा हुई। अर्थशास्त्री जिम ओ नील के एक प्रकाशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक पर 2001 में छपी इस रिपोर्ट में जिम की रिसर्च असिस्टेंट रूपा पुरुषोत्तमन ने बिक्र शब्द का इस्तेमाल उस समय पहली बार किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2050 आते आते ब्रिक देशों जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं तात्कालीन अमीर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ देगी। चारों विदेश मंत्रियों की उस बैठक के 3 साल भीतर 2009 आते आते देश के प्रधानमंत्री रूस में मिले और ब्रिक का गठन हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने भी इस शामिल होने के लिए मंशा तेज स्वर में जाहिर की और 2010 में उसे भी एंट्री दे दी गई और यह ब्रिक्स बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आखिर ब्रिक्स देश की लाइन में जो एक तरह से कितने देश खड़े हैं और भारत में उसके लिए कितनी संख्या है और भारत उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को पूरे 13 साल बीत चुके हैं, इसी बीच ग्लोबल ऑर्डर अगर पूरी तरह तब भी काफ़ी बदल चुका है। अमेरिका और नेटो की सेनाएं इराक और अफगानिस्तान से पलायन कर चुकी है। दुनिया के मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार चुकी है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ को अलविदा कह चुका है। रूस और यूक्रेन में पिछले 1 साल से भीषण जंग जारी है। संयुक्त राष्ट्र की साख एक तरह से कमजोर पड़ने के कई उदाहरण जग जाहिर हैं और कोविड-19 जैसी महामारी ने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक तरह से झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच 2023 में ब्रिक्स देश दक्षिण अफ्रीका में होने वाली अपनी बैठक की तैयारी कर रहे हैं। विशाल एजेंडा है कि दुनिया के 19 देशों में ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। जून में होने वाली बैठक के लिए ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीकी राजदूत अनिल सुकलाल ने ब्लूमर्ग पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 13 देशों ने तो औपचारिकता अर्जियाँ भी दे दी है। 6 और देश हैं जो अनौपचारिक रूप से अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि ब्रिक्स का विस्तार कैसे होगा। सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में औपचारिक तरीके से शामिल होने की चाहत दिखाई है, जबकि अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने कई दफ़ा ब्रिक्स का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। द ब्रिक्स एंड क्लेटिव फाइनेंशियल स्केटक्राफ्ट नाम की किताब के एक चैप्टर ग्लोबल पावर शिफ्ट द ब्रिक्स बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन इन्फ्लुएंस में रॉबर्ट सिंथिया लेजी आर्मियो और सौरी कताड़ा इस बात पर जोर देते हैं कि चीन की तरक्की यूरोप के जापान के आर्थिक शक्ति के रूप में थोड़ा कमजोर होने से ब्रिक्स को बल मिला है। इस किताब के मुताबिक भले ही ब्रिक्स देशों की आर्थिक और वित्तीय स्थितियां एक दूसरे से बेहद अलग हो और उतार चढ़ाव चढ़ने वाली हो, लेकिन फिर भी इन देशों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख काफ़ी मजबूत है। इस प्रक्रिया में उन्होंने वे जरूरी गुणवत्ताएं भी विकसित की है जिनको लेकर अमेरिका या दूसरी पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दी जा सके। ब्रिक की पहली समिट जो 2009 में हुई थी, चारों देशों ने अपने संयुक्त बयान में अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के खिलाफ एक बेहद विधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया था। अब कुछ जरूरी आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। वर्तमान समय में चीन और भारत का कुल GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद दुनिया भर की GDP का लगभग 27% है। ब्रिक्स के 5 देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है और विश्व व्यापार में इन देशों की भागीदारी लगभग 17% है, जिनकी चंद वर्षों में बढ़कर लगभग 29 वर्ष होने की प्रबल संभावना है, प्रबल अनुमान है। वर्तमान समय में अर्जेंटीना जैसे करीब
24 और देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिका डॉलर के बजाय चीन के युआन में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। रूस भारत समेत कई देशों के साथ कच्चे तेल का सौदा अपनी ही मुद्रा में कर रहा है। G7 समूह का चीन भारत के नेतृत्व वाले ब्रिक्स समूह से पिछड़ जाना तय सा लगता था। आज अगर भारत की चीन का कुल GDP दुनिया भर की करीब 1/3 है तो इसे गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। जाहिर है आगे ये प्रतिशत बढ़ेगा भी। सैन्य शक्ति की बात की जाए तो आंकड़ों का पलड़ा ब्रिक्स की तरफ ही झुकेगा। फौज हथियारों पर खर्च करने वाले दुनिया के टॉप 4 देशों में चीन, रूस और भारत शुमार है, और सिर्फ अमेरिका ही ब्रिक्स के बाहर का मुल्क है। जाहिर है जब ब्रिक्स समूह ने तेजी पकड़नी शुरू की थी तब ये सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, लेकिन आज के दौर में ये पांचों देश मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और राजनीतिक पटल पर एक नए प्लेटफॉर्म का विकल्प देने के लिए जुटे हुए हैं। विकासशील देशों की बात अब पुरानी और बेमानी हो चुकी है। भू राजनीतिक क्षेत्र में ये ब्रिक्स देशों का समय है, और ये G7 देशों जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के विकल्प के तौर पर अपने को स्थापित करने वाले हैं। इस नचिते पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी कि ब्रिक्स का दुनिया का सबसे शक्तिशाली गुट हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस और चीन चाहते हैं कि ब्रिक्स के आर्थिक संगठनों को मजबूत किया जाए जिससे दूसरे विकासशील देशों की मदद की जा सके और तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खुद को मजबूत किया जा सके। कुछ इसे चीन की दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की ख्वाहिश से भी जोड़कर देखते हैं, जो कि चीन जग जाहिर कर चुका है। कूटनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत कई दफा इस बात को दोहरा चुके हैं कि अगली सदी चीन की होने वाली है। उनके अनुसार अमेरिका का वर्चस्व न सिर्फ फौजी ताकत के तौर पर थोड़ा फीका पड़ा है बल्कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था और भीतरी राजनीतिक माहौल से भी जूझना सा पड़ा है। यूरोप के देशों की रफ्तार पहले कोविड ने और बाद में यूक्रेन युद्ध ने एक तरह से धीमी कर दी। इधर भारत ने चीन की कई ऐसी कोशिशों पर पानी भी फेरा है जिसमें नए नए सदस्य ब्रिक्स में शामिल करने के लिए प्रस्ताव था, क्योंकि भारत ब्रिक्स को महज एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बनकर रह जाने से बचाना चाहता है। ब्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा सदस्य शामिल करने के चीन के सभी प्रयासों का भारत पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि उसे इस बात की चिंता रहेगी कि इससे पड़ोसी चीन ग्रुप में भारत पर दबदबा बढ़ा सकेगा। साथ ही यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में जहां रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, ब्रिक्स देशों ने ऐसे किसी भी कदम से अपने आप को अलग रखा है। ऐसे समय में ये भी ब्रिक्स देशों की विश्व संबंध पर पकड़ का एक इम्तिहान है, क्योंकि रूस के अलावा ब्रिक्स के सभी देश पश्चिमी देशों से वैसे ही व्यापार आवाजाही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। जाहिर है G7 देशों का भी पूरा ध्यान जून में होने वाली ब्रिक्स समिट पर ही रहेगा, क्योंकि उनमें भी एक तरह से कौतूहल है कि अगर ब्रिक्स में नए सदस्य आते हैं तो वह कौन होंगे और आखिर इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर जब G7 के अलावा और भी जब देश मिलेंगे तो वास्तव में वह क्या फैसला लेते हैं। और जो लोग रूस के खिलाफ, जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाए हैं, जिन देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, क्या ब्रिक्स के देश उन पर विचार करके क्या प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचेंगे या फिर रूस को एक तरीके से स्वतंत्र ही रखेंगे। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।